सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एमआर गोट्स हैदराबाद। जो कि आप लोग सब जानते हैं, एमआर गोट फार्म से एक ट्रांसपोर्ट का काम और बकरे गांवों से दिलवाना जंगलों से, ये अपना काम है यहाँ से। ठीक है, ये गुजरी नस्ल की बकरियाँ हैं जो कि फ़िलहाल अपनी ये ट्रिप है गुजरी सुरही बीटल बर्बरी की। ठीक है, मैं अपने साथ में अकरम डेयरी फार्म चैनल जो अपने हैदराबाद का है, उमर भाई जिसके चेयरमैन हैं, उनको भी साथ लेके आया हूँ जो कि हमारा काम दिखवाने के लिए। सारी चीज़ तो अकरम डेयरी फार्म पे आप लोग देख रहे हैं कि कैसी कैसी क्वालिटी में दिखा रहा हूँ। ठीक है, अपना बस इतनी दूर जब आके काम करना मकसद यही रखता कि अच्छी क्वालिटी हमारे भाई लोगों को मिले और अच्छी क्वालिटी का शौक करे, पॉइंट आउट में काम करे, अच्छे नायाब चीज़ का शौक रखे। ठीक है, बस देखिए ऐसे जंगलों में आना पड़ता, किसान भाइयों से बात करना पड़ता, जब जाके आप लोगों तक ये माल पहुंचता है। ठीक है, तो थोड़ी इंट्रोड्यूस हमारे उमर भाई से भी लूँगा मैं। ठीक है, देखिए पटे कैसी है, जंगलों में चर के ये लोग किसाने पालते हैं। बस ये लोगों का दो गुजारा है यहाँ पर, बकरियाँ और खेती बाड़ी का। ठीक है, ये लोग बकरियाँ बेच कर, बकरियाँ चरवा कर अपना घर वगैरह चराते हैं। और माशाल्लाह से देखिए एक नंबर चीज़ है, और ये ब्रीडर है जो बकरियों पे इस्तेमाल की करते हैं ये लोग। देखिए माशाल्लाह, हाइट वगैरह क्वालिटी इसकी चेक करें, इसका फ्रेम चेक करें आप लोग, बकरे कैसा है। और ये किसान भाई लोग हैं, इनसे भी थोड़ी बात करते हैं। आदाब भाई। राम राम भाई। राम राम भाई। बस आप लोग का नाम? नाम मेरा राजू राम। राजू राम है। रूपा राम। रूपा राम भाई और राजू भाई से दो बातें करना चाहूँगा मैं। बिल्कुल। आप लोग का ये असल गांव में क्या क्या काम से आप लोग का घर दार चलता है, मेरे को ये बता दे सबसे पहले बात। बढ़िया चलता है सर। नहीं, किस चीज से आपका गुजारा है यहाँ पर? ये बकरी का पालन करने से। और बस, और हमारी खेती वगैरह। हाँ, मैं एक्सप्लेन कर दिया हमारे भाई को। देखो भाई, मैं लाइव भी बता दिया हूँ आपका। जी, जो खेती किसान का काम है और ये बकरी पालन का काम है। जी, ये गुजरी नस्ल के बारे में कुछ बोलेंगे क्या आप राम भाई? बिल्कुल। ये गुजरी नस्ल कैसी होती है? गुजरी नस्ल बहुत बढ़िया नस्ल है जी, और उसमें वेट भी अच्छा होता है जी, जो बच्चा होता है वो भी अच्छा होता है उनका जी, माशाल्लाह। बच्चा पौष भी बहुत बढ़िया जी जी, और दूध में भी बकरी बहुत अच्छी रहती है जी। बिल्कुल, एक बकरी के कम से कम नहीं तो 2 लीटर से बाहर दूध निकलता। हाँ, ये फर्स्ट टाइम का, ये बिल्कुल जेन्यून डिटेल दे रहे हैं ये। हाँ। और बकरी मान के चलो 2-2.5 लीटर तो दिन में दूध देती है। हाँ, 2 लीटर दूध देती है, ये इस बारे में तो मुझे पता है। मगर ये जी वो वेट में अच्छा होता है जी जी, कम से कम बच्चा जब बाहर आता है ना जी जी, तब 4-3.5-4 किलो का वजन का बच्चा जलमता उनके जी 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 जी। हाँ हाँ, वैसे जैसे हार्ड की बच्ची है ना जी, वैसा ही बच्चा होता है उसकी। आप लोग ये बता दे यहाँ पर खिलाते क्या है ये लोगों को? ये पेड़ खिलाते जी, हरी पत्ती का जो होता है। हाँ, लून लूम खेजड़ी का जी, और जौ वगैरह जी। बस जो धूप काले में देते ना, जैसे धूप गर्मी ज्यादा होती है, गर्मी ज्यादा होती है जब वो टाइम पे। हाँ, जो और मेथी। हाँ, और जब सर्दी की टाइम आती है जी, उस टाइम बाजरी खिलाते हैं, हरी पत्ती में ही डाल के। वो हाँ, हरी पत्ती में डाल के बाजरी खिला देते जी। बस और कोई कुछ देता नहीं है जी। और जंगल में चढ़ती है हमारी, पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी में चढ़ती है। हाँ, ये पहाड़ दिख रहा है, पहाड़ी में चढ़ती है। आप लोग को देखो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा ऐसे जंगल के इलाके होते हैं यहाँ पर, हम लोग को आना पड़ता काम करने के लिए। ठीक है, बस इतना ही बोलना चाहूँगा और आप लोग कुछ चीज़ दिखाऊँगा मैं। देखिए आप कैसे है ये लोग, ये तो ये जो पालते हैं ना, ये दूध और भेड़ है ये, उसका भी पालन करते। हाँ, इसका भी पालन इसलिए करते कि कट्टू के प्राइस में यहाँ पर बिकता है, जो कि अपने मंडियों में आता है। और इसकी कट्टू की मैं एक पहचान बता दूंगा, ये क्वालिटी वाली चीज़ नहीं होती, इसकी दुम थोड़ी शॉर्ट होती है। देखिए दुम छोटी होती है, देखो मैं बता रहा हूँ, दुम इतनी सी होती है जैसे विलायती की जितनी दुम होती है। जैसे ओरिजिनल अगर क्वालिटी आ गई पंजाब में, जैसे जमुनापारी दुम्बे होते हैं, उनकी दुम नीचे लटकती है। ठीक है, बस देखिए चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ आपको कैसी है। और गुजरी नस्ल की ये पहचान है, सूजत के सारा इसका चेहरा होता है वाइट में, और सुरही के जैसे पैचेस होते हैं। तो ये तो गुजरी है कि हाँ, गुजरी नस्ल है कि अगर एक भी वाइट धब्बा आ जाएगा तो वो गुजरी हो गई। हाँ हाँ हाँ, वही वही। तो देखिए ये भी
ये मक्का चीनी गुजरी है और मैं एकदम से खरीफ से भी दिखाना चाहूँगा आप लोग को। देखिए मक्का चीनी में गुजरी है माशाल्लाह। मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो कि इंशाल्लाह ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियो लाते रहेंगे और राजस्थान के वीडियोस बनाते रहेंगे, आप लोग तक शेयर देंगे। जितना अपने को एक्सपीरियंस है आप लोग के सामने शेयर करेंगे कि किसान भाइयों से बात करेंगे तो आप लोग को क्या एक्सपीरियंस गेन होते रहता है, ये लोग कैसा पालन करते हैं, क्या पालते बकरियों को, कैसे अपना बकरियों का रहल ढहल है यहाँ पर। ठीक है देखिए देखिए इसका बॉडी स्ट्रक्चर देखिए आप कैसा है माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए ये भेड़ वगैरह है जो कि ये लोग इसे भी पालते हैं दूध के लिए, दूध। फिर जैसा हो गया एक वक्त आता है इन बच्चे है ना, इस बच्चों का थोड़ा ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहता है ये लोगों के पास। जैसे बच्चे होते 3-4 महीने में ये कटिंग में चले जाते बच्चे, और ये बड़े जो है ये लोग अपने घर रुकवाते कि जैसे कि बच्चे रहते बच्चे को ही सेल करते। अगर कोई इसमें से जैसे पुरानी वैसी हो गई तो ये भी कट्टू में ही जाते तकरीबन। ठीक है जैसे अपने आप लोग देखे होंगे हैदराबाद में जियागुड़ा चिंगीचरला मंडियों में ये बकरे आते हैं तो इस वजह से है। और ये बकरियां तो अपन पालन के अपने शौक़ के लिए अपन घर पे रखते हैं ऐसी क्वालिटी। बस इतनी दूर आके बतवाना और इतनी दूर आके ऐसी चीज़ें आप लोग को दिलवाना यही मकसद है कि आप लोग को अच्छी चीज़ मिले, अच्छी चीज़ का शौक़ करे, बस अच्छी चीज़ अपने घर पर रखे, अच्छी चीज़ पाले आप लोग, यही अपना काम है। एक्चुअली मेरा तो काम ट्रांसपोर्ट का ही चलता, जो भी भाई जुड़े हैं किसानों से थोड़ा डरते हैं लेने के लिए, ट्रस्ट नहीं कर सकते, फ्रॉडबाजी होती है, तो उस वजह से क्या है मैं दिलवा देता हूँ। और मैं भी लेता हूँ भाई, तो मैं ट्रस्टेड पर्सनों से ही आके लेता हूँ माल, क्योंकि आप सब जानते हैं अच्छे से फ्रॉड होता है यहाँ पर लो। इस वजह से ये फ्रॉड ना हो उस वजह से ही अपना काम शुरू हुआ था हमारे गुड फार्म से। देखिए हाइट वगैरह लेंथ वगैरह बकरी की देखिए माशाल्लाह। ये कान कटे किसले कटे हुए हैं, कान किसले काटे? काटने का प्लान ये है कि ये बढ़िया लगे, अच्छे लगे। अच्छा और जो ये झाड़ी वगैरह है ना ये जो खाती है ना वो उसमें उजलता नहीं है। अच्छा कहाँ पे बकरी को कांटा लग के यहाँ वहीं रह जाती है लंबे गाने से। अच्छा हाँ और ये की उनकी पसंद हो गई। अच्छा फूटी लगती है। अच्छा इसीलिए लगेगी। दूसरी बात ये रहेगी कि ये जो बकरी है ना ये इन्होंने पर्सनल रख लिया पहचान हो गई। कटिंग में नहीं देंगे ये बच्ची, ये इनकी पर्सनल रखी हुई है, अगले साल तैयार करेंगे बच्चे देने के लिए। अच्छा अच्छा। और दूसरी बात ये है ना काटने वाले को या ऐसे सेल नहीं करते, ओनली फार्मर को देते हैं जो पालेगा आगे जाके इसके बच्चे लेंगे इसकी नस्ल लेंगे आगे जाके वो। क्योंकि मैं इस वजह से पूछा कि भाई हमारे जो व्यूवर्स देख रहे हैं यहाँ पर जो बैठे जगह तो ये कोई ऐप ना समझे इस चीज को, क्योंकि वो तो मैं तो काम करता हूँ, मैं जानता हूँ इस बारे में। हाँ वो लोगों के सामने भी पता लग जाएगी क्या चीज है। एक बकरी भी नहीं है ना, तकरीबन बकरियों को तो ये खूबसूरती माना जाता है ना इसको खूबसूरत के लिए। भाई मेरे को तो ये कान ऐसा कटा मुझे तो पसंद नहीं है भाई, मजे अगर ये लोगों का एक शौक है ये लोगों का। हाँ उनका पूरा आएगा। हाँ मेरे को मालूम है। हाँ वो उनका तो पूरा आता है। हाँ उनका तो पूरा जाएगा वो जो बच्चे डाली वो तो पूरा पूरे का नहीं। ये तो अपन काटे सो है, ये तो हम काटते हैं पसंद के लिए। जी जी हाँ हाँ अच्छा लगने के लिए हम काटते हैं। बस फ्रेंड पसंद है ये। बस फ्रेंड यही वीडियो खत्म करता हूँ। आपकी डॉट भी अपन जी जी उस बकरे का ना लंबा काम। हाँ 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 बस ऐसे आएगा। हाँ हाँ इसके कान तो पूरे हैं। हाँ उसके कान नहीं चटे हुए। बस फ्रेंड जो भी आप लोग का जो डॉट था वो भी मैं क्लियर करना चाहूँ इस वीडियो में। बस यहीं वीडियो ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़। दुआ की दरख्वास्त ऐसे ही नए वीडियो के साथ फिर एक बार हाजिर होंगे आपके सामने।